فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يزلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دور حاضر کا فتنہ فتنہ شکیلیت ہے، اور یہ فتنہ اتنا بڑا اور سنگین ہے کہ جس سے ہر بندہ مومن کو باخبر ہونا انتہائی ضروری ہے، اور بندہ مومن اس فتنہ شکیلیت سے باخبر کیسے ہوگا، انہیں باخبر کون کرائے گا، یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی. علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر بندہ مومن کو اس بات سے آگاہ کرے کہ اس وقت جو فتنہ شکیلیت عروج پر ہے، کہ جس فتنے سے انسان ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اس فتنے سے آگاہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. اور ہر زمانے میں، ہر دور میں علماء کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ جب کبھی اس طرح کا فتنہ سر اٹھایا ہے تو علماء نے اس فتنے کے سر کو کچلا ہے، اور بندہ مومن کو، مسلمان کو، اہل ایمان کو متنبہ کر کے اس فتنے سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. یہ فتنہ نیا نہیں ہے، یہ فتنہ پرانا ہے. یہ فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع ہوتا ہے، اور یہ فتنہ قیامت تک چلتا رہے گا. میں نے ابھی جو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، کہ یقیناً میری امت میں، كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے.
कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबीयुन, उनमें से हर एक का गुमान यही होगा कि वो अल्लाह का नबी है। वाना खातिमुन नबीइन, हालांकि मैं नबियों का सिलसिला खत्म कर चुका हूं। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान फरमा दिया कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, नबी का सिलसिला खत्म कर चुका हूं मैं, नबी का आना ये बंद हो चुका है, अल्लाह अब इस रूए जमीन पर किसी नए नबी को पैदा नहीं फरमाएगा, तो अब जब कोई दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो यकीनन वो शख्स इस हदीस की रोशनी में कज़्ज़ाब होगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया कि यकूनु फी आखिरी ज़माने, कि आखिरी ज़माने में यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, तुम्हारे पास लोग ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे, ऐसी हदीसें लेकर आएंगे कि न तो तुमने कभी सुना होगा, न तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुना होगा। इसलिए फइयाकुम व इयाहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, कि तुम उससे बाखबर रहना, कहीं तुम गुमराह ना हो जाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया है कि मेरी उम्मत में 30 झूठे मुद्दई नबुवत पैदा होंगे। जब मैंने इस हदीस की तहकीक की और मुअर्रखीन की तारीख पर नजर डाली, तो मालूम हुआ कि इस हदीस की रोशनी में अब तक 24 मुद्दई नबुवत पैदा हो चुके हैं। और जाहिर है के 30 पूरी होनी है तादाद, लिहाजा कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये फितना कयामत तक चलेगा। ये जो शकील बिन हनीफ है, जो फितना शकीलियत है, जिसकी तफसील आपने पिछले जुमा भी सुना है, और फिर मैं इस जुमा भी इसी मौजू पर आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि ये उलमा की जिम्मेदारी है कि आवाम को इस बात से आगाह करे कि वो इस फितना से बिल्कुल बाखबर रहे, वरना आपका ईमान और आपका अकीदा खतरे में पड़ सकता है, आप दायरे इस्लाम से बाहर हो सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जान और माल की हिफाजत से बढ़कर ईमान और अकीदे की हिफाजत है। अगर आपके सामने एक तरफ जान को बचाना, माल को बचाने की फिक्र हो, और दूसरी तरफ ईमान और अकीदा खतरे में हो, तो उलमा ने लिखा है और दीनी तकाजा है कि आपको जान और माल की परवाह मत कीजिए, बल्कि ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। अब मैं आपको इस फितने की तफसील बतलाने से पहले चाहता हूं कि ये फितना जहां से शुरू हुआ, दौरे नबुवत से ये फितना शुरू होता है, और कज़्ज़ाबूना सलासून की मिसदाक के मुताबिक ये 30 जब तक नहीं आएगा, ये फितना चलता रहेगा। तो सबसे पहला फितना जो मुद्दई नबुवत का दावेदार है वो कौन शख्स है, दूसरा कौन है? मैं उन दो जो दौरे नबुवत के अंदर दो बदबख्त इंसान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे रिसालत में सहाबा किराम के जमाने में दावा करता है, उन दोनों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं और उसकी मुख्तसर तारीख बताना चाहता हूं, ताकि आप सोचें और समझें कि वहां से यह सिलसिला चल पड़ा है और कयामत तक यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हर दौर में सहाबाए किराम के दौर में जब यह फितना सर उठाया, तो सहाबाए किराम ने उस फितने का सर कुचल दिया और उस फितने का किला कुमार फरमाया। और जिस दौर में यह फितना जिसने भी अपने तई उठाया, तो उस वक्त के उलमाए किराम ने उस फितने को खत्म किया। लेकिन बंदाए मोमिन, अहले ईमान और हमारे मुसलमान भाई, वो जो
कम इल्म होते हैं, जो दीन से बेराहरो होते हैं, जो बेदीन होते हैं, वो आम तौर से इस फितने के अंदर पड़ जाते हैं और वो अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए जब हम इस फितने से अच्छी तरह वाकिफ रहेंगे, इस फितने को हम अच्छी तरह समझे रहेंगे, तो यकीन जानिए कि जहां हम खुद इस फितना से बच सकते हैं, हम अपने अड़ोस पड़ोस के भाइयों को, अपने घर के अफराद को इस फितने से बचा सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सबसे पहला जिसने मुद्दई नबुवत, जो झूठे नबी होने का दावा किया, उसका नाम अस्वद अल अनसी है। ये यमन में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आखिरी चल रहा है, आपकी तबीयत नासाज है, आप बीमारी के हालत में गुजर रहे हैं और लिखा है कि उसी बीमारी के बाद आपका इंतकाल हो जाता है, आप दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, पर्दा फरमा जाते हैं। उस वक्त यमन के अंदर अस्वद अल अनसी ने झूठे नबी होने का दावा किया। वो शख्स शोबदा और कहालत का माहिर था। आम तौर से इंसान को जो धोखे में डाला जाता है वो ये कि ये समझता है कि नबी के हाथों में मोजज़ा है, नबी जो है मोजज़ा दिखलाते हैं और अल्लाह की तरफ से उसे मोजज़ा अता किया जाता है। शोबदा, कहानत, हाथ की सफाई, इसी तरह से जो जादूगरी है, सिहर है, इस सब के जरिए से भी इंसान बसा औकात ये समझ बैठता है कि ये खुदा न खास्ता नबी है और ये मोजज़ा दिखला रहा है। हालांकि मोजज़ा वो मिन जाने बिल्ला होता है और जो शोबदा, कहानत, सिहर, जादू, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के खुद अपने दखल से होता है, इंसान का उसमें दखल होता है, अल्लाह की तरफ से वो नहीं होता। मेरे मोहतरम, अस्वद अल अनसी वो बड़ा शोबदा बाज था, वो बड़ा कहानत बाज था। वो ऐसा करता कि एक परिंदा को हाथ में लेता, उसके सारे बालों पर को बिखेर कर उसे निकाल करके अलग कर देता और हवाओं के अंदर, फिजा के अंदर एक तरफ बालों को उड़ा देता, दूसरी तरफ जो है वो बेरीस परिंदे को उड़ाता और लोग ये देखते कि वो पर और परिंदा दोनों आपस में मिलकर फिजा में गायब हो गया, उड़ गया। ये उसका सिहर था, ये उसकी कहानत थी, उसका शोबदा था, हाथ की सफाई थी। लोग उसके इस झांसे में, धोखे में आते गए और लोग उसको अपना नबी मानते गए। उसे जुल्हिमार भी कहा जाता है, अस्वद अल अनसी को जुल्हिमार। जुल्हिमार का मतलब है गधा वाला। लिखा है मुअर्रखीन ने कि उसके पास एक गधा था, उस गधे को वो इतना सिधाया, इतना सिखलाया, तो तालीम दिया कि गधे को जब कहता कि रब को सजदा करो तो वो सजदा करता, जब कहता उसे खड़ा हो तो खड़ा होता, बैठ जाने के लिए कहता तो बैठ जाता। वो गधा उसके हुक्म के ताबे था, लिहाजा लोगों ने इस अमल को देखकर भी उसे नबी मान लिया था और फिर वो शख्स लोगों को अपने हाथों पर बैत करके मुर्तद करता गया और दायरे ईमान से लोगों को खारिज करता गया। ये सिलसिला बढ़ता रहा, नौबत यहां तक आई कि जो शख्स उसकी उसके हाथ पर बैत नहीं करता उस शख्स को वो कत्ल कर देता और जो बैत करता वो उसकी पनाह में आ जाता। यमन के बगल में नजरान, वहां के लोगों ने सोचा कि ये वाकई में सच्चा नबी है या नहीं, उसका इम्तिहान लिया जाए, उसको अपने यहाँ बुलाया जाए। लिहाजा लोगों ने उसे नजरान में बुलाया, लेकिन उसने अपने शोबदा बाजी के जरिए से हजारों लोगों को वहां भी कायल कर लिया और वहां के लोगों को भी मुर्तद कर दिया। लेकिन सिर्फ दो शख्स था, जो अमर बिन हजम और खालिद बिन सईद, ये दोनों उनकी मुखालफत करते हैं क्योंकि उसके अमल में सुन्नत और शरीयत के खिलाफ मवाद था। इसलिए हजम, अमर बिन हजम और खालिद बिन सईद दोनों मुखालफत जब करते हैं तो उन दोनों को नजरान से बाहर कर देता है।
वो दोनों मदीनतुल मुनव्वरा का सफर करते हैं, वहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है, आकर सारी हालत बतलाते हैं और हकीकत हाल से जब आगाह करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उन दोनों के हाथों यमन के सरबराहों के नाम, यमन के सरदारों के नाम खत लिखते हैं कि इस फितना का खात्मा वही के लोग करें, यहां से कोई फौज नहीं भेजी जाएगी, लश्कर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वही के लोगों को वहां डटकर मुकाबला करना है और इस फितना को खत्म करना है। लिहाजा मुख्तसर ये कि जब वहां के लोगों को खत मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और वहां के सरदारों को, तो वहां उसके घर में घुसकर प्लान बनता है और जो फिरोज दैलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु है उसके घर में घुसते हैं और उसकी गर्दन उसके हलक से तोड़ के अलग कर देते हैं और फिर वहां से वो निकल आते हैं। इस तरह से नौ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उस शख्स का खात्मा होता है, उसका कत्ल हो जाता है। फिर मदीना के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं कि उस झूठे मुद्दई नबुवत का खात्मा हो चुका है। तो ये पहला शख्स था जो अस्वद अल अंसी। दूसरा शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये वो शख्स है, हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब आकर कहने लगा कि मोहम्मद अगर अपना जानशी मुझे मुकर्रर कर दे तो मैं उनकी नबुवत को मान लूंगा, मैं उनकी ताबेदारी करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंचती है, हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं और आपकी आपके हाथ में खजूर की एक टहनी है, वो लेकर के आप उसके पास तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब से फरमाते हैं कि अगर तुम इस टहनी का मुतालबा करोगे तो टहनी मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा और तुम खिलाफत नबुवत में हिस्सा तो दूर की बात कि तुमको मैं उसमें अपना जानशी बना दूं, इसलिए अल्लाह ने जो तेरे मुतालिक तकदीर लिख चुका है उस तकदीर से तुम भाग नहीं सकता है और अगर तूने इस्लाम से पीठ फेरी तो याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा और फिर वही होगा जो मुझे ख्वाब में बतलाया गया। फिर वो ख्वाब क्या था, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आपके दोनों हाथ में दो कंगन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कंगन को देखकर परेशान हुए और आपको फिक्र लाहिक हुई कि ये सोने के दो कंगन मेरे हाथ में क्यों है। ख्वाब में ही वही आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाता है कि आप इसके अंदर फूंक मारिए, जब फूंक मारते हैं तो वो दोनों कंगन हवा में उड़ जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते हैं तो आपने ख्वाब की ताबीर ली कि इस दोनों कंगन का मतलब और ताबीर ये है कि दो झूठे मुद्दे नबुवत पैदा हो चुके हैं और एक तो अस्वद अंसी और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब चला जाता है, ये कहाँ का था, ये यमामा का था, यमामा से अपने बहुत सारे साथियों के साथ आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशकश को जब ठुकरा दिया, आपने उसके मुतालबे को पूरा नहीं फरमाया तो वो चला जाता है और जाने के बाद सिलसिला दराज होता रहा। वो जाने के बाद अपने हाथों पर बैत करता रहा, लिखा है मुअर्रखीन ने कि 40,000 लोग मुर्तद हो गए उसके हाथों पर, 40,000 लोग मुर्तद हो गए। उसने जिना को मुबाह करार दिया, उसने बगैर गवाह के निकाह को दुरुस्त करार दिया, उसने नमाज में फजर और इशा को गायब कर दिया, फर्ज को बाकी रखा, सुन्नत को खत्म कर दिया, खिंजीर का खाना दुरुस्त करार दिया। उसने इस तरह के बहुत सारे
शरीयत के खिलाफ अहकाम को जारी कर दिया। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप दुनिया से रुखसत फरमा जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आता है और आपको बहुत सारे चैलेंजों का सामना था। एक तरफ मानईन ज़कात से मुकाबला था कि जो मुनकिरीन ज़कात हो गए, ज़कात देने से इनकार कर रहे थे, उनसे आपका मुकाबला था। इधर यमामा के अंदर दिन ब दिन लोग मुर्तद हो जा रहे थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फौज तरतीब दी और उस फौज के अंदर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत इकरमा इब्ने अबी जहल को, हजरत साबित बिन कैस को, हजरत जैद बिन खत्ताब को और हजरत वहशी बिन हरब रजी अल्लाह ताला अन्हु को, इन तमाम के साथ 13,000 फौज पर मुश्तमिल 40,000 के मुकाबले के लिए रवाना फरमा देते हैं। 40,000 का मुकाबला 13,000 फौज की तादाद करने जा रही है। जंग बड़ा घमासान थी और बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन उन मुर्तदीन में से 21,000 का खात्मा हो जाता है। और फिर आखिर में जो हजरत वहशी बिन हरब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक वक्त में अमीर हमजा के कातिल थे, लेकिन इस वक्त ये सहरा उनके सर जाता है, हजरत वहशी बिन हरब रजी अल्लाह ताला अन्हु या मुसैलमा कज़्ज़ाब के गर्दन पर वार करते हैं और उसे तड़पता हुआ जमीन पर गिरा देते हैं। इस तरह से यमामा के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना भी खत्म हो जाता है। जिस वक्त वो मरा उसकी उम्र 150 साल थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, ये दो फितना तो उस वक्त था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। अब हम हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये कैसे फितना शुरू हुआ, मैं आपको बताऊं कि 24 जो मैंने कहा कि अब तक मुद्दईए नबुव्वत 24 हो गए, इस मुख्तसर वक्त में सारी की तफसील नहीं बयान की जा सकती है। मैं आपको हिंदुस्तान में फितना जो बरपा हुआ है उसको बताना चाहता हूँ, दो जो वो था, और उसके बाद हिंदुस्तान, जो जिस हिंदुस्तान के ऊपर 1,000 साल से मुसलमान हुकूमत करते थे, लेकिन उसके बावजूद जब यहां पर एक मेहमान बनकर आने वाला शख्स या मेहमान बनकर आने वाली जमात मालिक बन बैठी, तो वो जमात देखते ही देखते हिंदुस्तान को अपने जेर नगी कर लेती है। वो जमात जिसे हम और आप जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ मेहमान बनकर आया, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर दिन ब दिन कब्जा करता गया, हिंदुस्तान को लूटता रहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलाम बनाता रहा, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की वासियों पर, हिंदुस्तान के बाशिंदों को हर तरह से जुल्म और सितम का शिकार बनाता रहा। मैं आपको सिर्फ मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि 1857 में जब पहली जंग लड़ी गई थी, उस वक्त बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी, ये लोग जंग लड़ रहे थे, लेकिन जंग बुरी तरह फलाप हो गई, जंग जो है बुरी तरह शिकस्त में बदल गई। और फिर जिस बेदर्दी के साथ उस मिशन को और उस मुहिम को अंग्रेजों ने रोन डाला, मुसलमानों को और हिंदुस्तान के रहने वालों को इस तरह से काटा और खत्म किया, जो तारीख में पढ़ने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। फिर वो सिलसिला चलता रहा और आप सोचिए कि 1857 से लेकर 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तकरीबन 90 साल का अरसा लग गया। ये 90 साल का अरसा लग गया जबकि मुस्तकिल जंग लड़ी जा रही थी, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन क्यों नहीं ये कामयाबी इतनी जल्दी मिली और 90 साल का अरसा क्यों लग गया? मैं असल इसी फितने को बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, तो उसने सबसे पहला हरबा ये इख्तियार किया कि यहाँ पर जब हम लोगों को आपस में मजहब के नाम पर लड़ा देंगे, मजहब के खिलाफ उसे वर्गला देंगे, तो वो आपस में मजहब की हिफाजत में लग जाएंगे और फिर हमारी हुकूमत से उनकी तवज्जो हट जाएगी। इसलिए उन्होंने यही हरबा इख्तियार किया और फिर इस्लाम के खिलाफ ईसाई मिशनरीज, आर्यों, सनातन धर्मियों को जहर अफशानी के लिए खड़ा कर दिया।
और फिर क्या था, जब इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी शुरू हुई तो एक तरफ उलमाए किराम जहां हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, वहां पर कहीं पादरियों से मुनाजरा करना पड़ रहा है, कभी सनातन धर्मियों से मुनाजरा करना पड़ रहा है, कहीं आर्यों का मुकाबला हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह से ये दो तरफा कोशिशें हो रही थी कि एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ खुद यहाँ के रहने वाले ही आपस में लड़ रहे थे, इसलिए ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर देखा कि इसको और किस तरह मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान से यहाँ के लोगों को खत्म किया जाए, गुलाम बनाया जाए, इसलिए उसने दूसरा हरबा इख्तियार ये किया कि उसने मुसलमानों के दरमियान से ही कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया कि जो मुसलमानों के खिलाफ बातें कहनी शुरू की, और फिर जो खान वादाए वलीउल्लाही का मुत्तफिका मरकज, दीनी मरकज था, उस मरकज का शिराजा बिखर जाता है, उसको मुतनाज़े बना देता है, और पता चला कि फिर ये तफका दीनी मरकज था, ये दो खानों में गोया के मिल्लत इस्लामिया हिंद दो खानों में तकसीम हो जाती है, और आपस ही में एक भाई दूसरे भाई को काफिर कहने लगते हैं, एक भाई दूसरे भाई जो ईमान वाले हैं उस पर कुफ्र का फतवा देने लगते हैं। इस तरह से आपस में टकराव होना शुरू हो गया और वो अपनी हुकूमत बढ़ाता रहा। फिर जब वो देखा कि इसे और मजबूत करना है तो उसने तीसरा हरबा ये इख्तियार किया कि क्यों ना ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए कि जो शख्स उसके ईमान और अकीदे पर डाका डाले और फिर उसको इतना कमजोर कर दे कि फिर वो हमारी तरफ तवज्जो बिल्कुल ना कर सके। उसके लिए उसे एक चमत्कारी आदमी की जरूरत थी। अब वो चमत्कारी आदमी कैसे मिलता, वो चमत्कारी शख्स 1835 में पैदा हो चुका है और 1835 में पैदा होने वाला चमत्कारी शख्स का नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, और उसे अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया और उसे ऐसा उसकी जहन साजी की और उसको ऐसा बनाया कि फिर उसने दावाए नबुवत किया, और दावाए नबुवत करने के बाद पहले उसने अपने आप को कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, फिर कहा कि मसीह मौद हूँ, वो तो न जाने क्या न क्या कहा, कभी इब्राहिम भी अपने आप को कहा, कभी मूसा भी कहा और कभी ईसा भी कहा, और फिर मुद्दई नबुवत वो इस तरह से दुनिया हिंदुस्तान के अंदर लोगों को देखा कि जो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर बैयत होता, आप उस वक्त का आलम देखिए कि जिस वक्त लोग अपनी जान की हिफाजत में लगा था, माल की हिफाजत में लगा था, लोगों के घर बार लूट रहे थे, ऐसे वक्त में देखा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर बैयत करता तो उसको अमान मिल जाता, अंग्रेज उसे कुछ नहीं कहते, और जो उसकी मुखालफत करता था उसे सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाता था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह से ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेजों का पिट्ठू बना और अंग्रेजों के हाथों में खिलौना बनकर वो अपने आप को ये फितना यहाँ पर बर्पा किया, और फिर नालायक का, मलऊन का, खबीस का नतीजा ये निकला कि 1908 में बैतुल खला के अंदर जां बहक होता है और वासिले जहन्नम हो जाता है। इस तरह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खात्मा हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उसने जिस दीन अहमदी की बुनियाद डाल दी थी वो आज भी गांव-गांव में और न जाने कितने स्टेट और जिले और शहरों के अंदर ये काम कर रही है तंजीमें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अलगरज वक्त कम है, मैं मुख्तसर आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो फितने शकीलियत है, ये फितने शकीलियत से हम सबको बाखबर रहना है, बचना है। आपने सुना था कि हिंदू बिहार की सरजमीन जिला दरभंगा के उस्मानपुर में पैदा होने वाला शख्स शकील बिन हनीफ, ये पहले असरी तालीम से आरास्ता होता है और फिर असरी तालीम से आरास्ता होने के बाद अपने आप को मौलवियाना वजह कत इख्तियार करता है, दावत तबलीग से जुड़ करके, और फिर देखते ही देखते ये दिल्ली के अंदर अपना ये फितना शुरू करता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आया है कि अब तक 10,000 लोग शकील बिन हनीफ के हाथों पर बैत करके मुर्तद हो चुके हैं। 10,000 लोग, आपको तफसीर बताऊं कि हिंदू बिहार के अंदर पटना, सीमांचल के कुछ इलाके और चंपारण के अंदर
जो कुछ इलाके हैं इसमें 4000 लोग मुतासिर हैं जो मुर्तद हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में जो 2500 यानी 2500 लोग मुर्तद हो चुके हैं, यूपी के अंदर गोरखपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, रामपुर, जौनपुर, ये सारे इलाके मुतासिर हैं। इसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर ये अपना जाल फैला चुका है। ये शख्स वो है कि जो औरंगाबाद में एक इलाका इसको ऐसा अलर्ट किया गया है कि उस इलाके का नाम इसने रहमत नगर रखा है, उस इलाके में वही शख्स रह सकता है, बस सकता है जो उसके हाथ पर बैत करेगा, और पूरे दुनिया के अंदर उसके जो नुमाइंदे फैले हुए हैं उस नुमाइंदों के बारे में आता है कि एक एक नुमाइंदा की तनख्वाह 30 से 35 हजार रुपये है। मैंने अंग्रेजों वाली बात क्यों सुनाई आपको? आप गौर कीजिए कि इसकी फंडिंग जो हो रही है, इसके हर नुमाइंदा को जो 30 से 35 हजार रुपए महाना तनख्वाह मिल रही है, आप सोचिए कि ये शकील बिन हनीफ को ये फंडिंग कहां से हो रही है। यकीन जानिए कि ये यहूदी साजिश है और ये वही से ये आए है। ये आपको अंग्रेजों और यहूदियों ईसाइयों ने इसे अपना यरगमाल बनाया है और इसे अपना दस्ते नगर बना करके हिंदुस्तान के अंदर फिर मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह लोगों के अंदर ईमान को खतरे में डालकर, ईमान से निकालकर, दायरे इस्लाम से खारिज करके फिर एक मर्तबा कमजोर करना चाहता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अपने करीबी उलमा से जुड़ कर रहिए, आप अपने उलमा जो आप सनाशा हैं, क्योंकि आपको ये फितना आपके पास कोई अजनबी शख्स बनकर नहीं आएगा। ये आपको तहज्जुद गुजार मिलेगा, ये आपको नमाजों का पाबंद मिलेगा। इसके वजह कतर देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इनकी अच्छी खासी दाढ़ी होगी, इनके सर पे पगड़ी होगी, इनके कुर्ते पैजामे होंगे, सब कुछ होगा। आपको नहीं लगेगा, वो आपको दीन की बात करेंगे, और जब इब्तिदा में वो दीन की बात करके उसके कायल हो जाएंगे आप, तब जा करके वो शकील बिन हनीफ से मिलाएगा, और जो शख्स उससे मिल लेता है तो फिर उसके बाद वो शख्स वापस नहीं लौटता है इस्लाम की तरफ। जैसे मैंने अस्वद अंसी के बारे में कहा कि वो भी ऐसा ही करता था, और शकील बिन हनीफ भी ऐसा ही कर रहा है। जो शख्स उससे मिल लेता है तो वो शख्स वाकई में वो काफिर हो जाता है, क्योंकि फिर वो कहता है कि मैं बगैर किसी दलील के शकील बिन हनीफ को इमाम मेहदी मानता हूँ और इमाम मसीह मानता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी मसीहियत और इसी तरह से मेहदीवियत के जरिए से नबूवत का दावा किया। ये शख्स अभी तक सिर्फ दो ही दावा किया है कि मैं इमाम मेहदी हूँ और मसीह मौऊद हूँ। ये कल जाकर के ये कह सकता है कि मैं वक्त का नबी हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपने अड़ोस पड़ोस को मुतनब्बे रखें, खुद भी मुतनब्बे रहें और अपने उलमा से जुड़ कर रहें कि किसी तरह भी आप उस फितने में न पड़े और अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।